आजकल कुछ शब्द बहुत सुनाई दे रहे हैं, जैसे कि एपीएमसी, एमएसपी। हो सकता है 3-4 महीने पहले बहुत से लोगों ने ये शब्द सुने ही ना हो कभी। मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इस पे कुछ वीडियो बनाऊं। तो नमस्कार, मैं निशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एपीएमसी पे, एमएसपी पे, नए 3 बिल जो आए हैं उस पे, और किसान को क्या इशू है जिसकी वजह से वो ये प्रोटेस्ट कर रहा है उस पे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे एपीएमसी को। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि हिंदी में कहें तो कृषि उपज मंडी समिति। अब समिति है तो चुनाव भी होते होंगे, जी हाँ, तो इसमें अध्यक्ष भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, लेकिन ये हमारा पार्ट डिस्कशन का नहीं है। हम एपीएमसी को समझेंगे ये कैसे वर्क करती है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 1938 में एक मॉडल बिल लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत मार्केटिंग सेट्स लगाने थे गांवों के आसपास, लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के बाद 1960 और 70 के बीच में एक नया एक्ट आया, जिसे हम जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत हर राज्य में और राज्य के जिलों में, तहसीलों में, गांव के आसपास मंडियां बनाई गई। ये मंडियां 2 सिद्धांतों पर चलती हैं। पहला कि किसान का शोषण ना हो, यानी कि उससे कोई भी व्यक्ति कम दामों में अनाज ना खरीदे। पहले क्या होता था कि बहुत से साहूकार होते थे, ऋण दे देते थे। अब ये ऋण के बदले में ब्याज लेते थे और कहते थे, पैसा डालते थे किसान पे के तो हमें सस्ते में अनाज बेच दो, ऐसा कुछ होता था। तो मंडियां आने से ये बंद किया हो गया। दूसरा सिद्धांत ये है कि किसान पहले अनाज को मंडी में लेके आएगा और वो उस अनाज की नीलामी होगी। अब इस नीलामी में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं हर एपीएमसी में, जिन्हें हम आढ़तिया भी कहते हैं। तो आढ़तिया किसानों से वो अनाज नीलामी के थ्रू खरीदते हैं और उस अनाज को गवर्नमेंट खरीदती है, बाद में हम लोग खरीदते हैं, या किसी कंपनी को खरीदना है तो वो कंपनी खरीदती है। तो आप ये समझ लो कि मंडी से कोई भी आम नागरिक या कोई भी बड़ी कंपनी या सरकार अनाज नहीं खरीद सकती। अभी एपीएमसी में एक चीज और है, जैसे कि लाइसेंस ट्रेडर्स जो होते हैं, जिन्हें अपन आढ़तीय कहते हैं, वो राज्य सरकार को टैक्स भी देते हैं। तो ये हमने समझ लिया मंडी का, मंडी क्या होती है। दूसरा है एमएसपी, जिसे अपन कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये 23 फसलों पे मिलता है। फसल के टाइम पे ही गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है कि इस फसल के लिए कम से कम इतना पैसा किसान को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लें तो किसान, जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई गेहूं इस साल 1600 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा। अब अगर 1600 रुपए क्विंटल में जो लाइसेंस ट्रेडर्स हैं वो नहीं खरीदते हैं, या इससे कम में खरीदते हैं, तो किसान से डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीद लेगी। गवर्नमेंट कैसे खरीद लेगी? गवर्नमेंट की एक एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे अपन एफसीआई भी कहते हैं, वो ये अनाज एमएसपी पर खरीदती है, फिर इस अनाज को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो अपन सुनते हैं ना कि 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, ऐसे मिल रहा है। एमएसपी का इतिहास ये है कि 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत पहली बार इसकी घोषणा हुई। 1966 और 67 में सबसे पहले गेहूं की खरीद पर एमएसपी लागू किया गया। अब एमएसपी तय कौन करता है? एमएसपी तय करने के लिए भी एक आयोग है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब ऐसी रिसर्च आई है, या अपन का सर्वे आया है कि 6% किसान ही एमएसपी का फायदा ले पाते हैं। चलिए अब अपन जो नए अधिनियम या कानून आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। इसके तहत किसानों को फ्री मार्केट मिलेगा। जैसे कि किसान पहले गल्ला मंडी में जाके ही गल्ला बेचते थे, या कहें गल्ला मंडी थोड़ा देसी शब्द है, हम लोग थोड़ा उसके, हम लोगों के यहाँ थोड़ा प्रचलित है ये।
तो मुंह से निकल जाता है, आप इसको कृषि उपज मंडी ही समझें। अब इसमें फ्री फ्री ट्रेड होगा, मतलब कोई भी किसान, मतलब अगर मध्य प्रदेश का किसान महाराष्ट्र में आके, महाराष्ट्र का किसान कर्नाटका में जाके भी बेच सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मंडी में ही जाके किसान को बेचना है। अब सरकार भी किसानों से डायरेक्ट खरीद सकती है, कंपनी भी डायरेक्ट किसानों से खरीद सकती है, और आप हम भी चाहें तो किसानों से डायरेक्ट अनाज खरीद सकते हैं और वो भी हमको बेच सकते हैं। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020। इसे ही अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो आप सुन रहे होंगे काफी दिनों से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वो इसी बिल के अधीन आती है। अभी इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी किसान के साथ में और उसने फसल बुआई की, सब कुछ की, अगर फसल खराब भी होती है तो भी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो किसान को उस फसल की भरपाई करेगा। मतलब किसान कहीं से भी इसमें घाटे में नहीं जाएगा। अभी क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाती है तो पूरा घाटा किसानों को ही वहन करना पड़ता है, लेकिन अगर ये अधिनियम लागू होता है और कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस भी कंपनी या व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इसकी भरपाई करेगी और लास्ट में जब फसल हो जाएगी तो उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दाम जो निर्धारित हुए हैं उस पर वो खरीदेगी। अब इसमें एक चीज है कि अगर इशू हुए किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इस बिल के तहत जो खाद तेल होते हैं, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी चीजों पर से स्टॉक लिमिट हटा ली है। बहुत जरूरी होने पर ही स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, जैसे कि सूखा पड़ जाए तो या कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए। अपन ने एपीएमसी को समझ लिया, एमएसपी को समझ लिया, नए तीन बिल हैं उनको समझ लिया। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है किसानों को जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी देखो, किसानों का ये मानना है कि जो तीनों बिल हैं इनमें कहीं पे भी एमएसपी का वर्णन नहीं था, तो किसान का ये कहना है कि कल को सब मोनोपोली हो गई, कम दामों में लोग खरीदने लगे तो हमारा क्या होगा। अभी तो ऐसा होता है कि एमएसपी में सरकार एफसीआई के थ्रू खरीद लेती है, तो उन्हें, किसानों को यही डर है कि एमएसपी नहीं होगा तो इन फ्यूचर में क्या होगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बोला है कि एसडीएम कोर्ट में जाना होगा, तो उनका ये कहना है कि एसडीएम जो है एक सिविल सर्वेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट के अधीन ही काम करता है, तो वो तो गवर्नमेंट की ही सुनेगा, ऐसा उनका मानना। तो वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे होती है, सेशन कोर्ट जो होती है, उनमें जाने का उनको अधिकार मिले। अभी देखिए, ये तीनों बिल में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि एपीएमसी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन किसानों को डर ये है कि जब फ्री मार्केट हो जाएगा और बाहर विदाउट टैक्स लोग अनाज खरीद सकेंगे, तो ये लाइसेंस ट्रेडर्स, आढ़ती जो हैं, वो मंडी से क्यों खरीदेंगे, वो तो बाहर से ही खरीदेंगे ना टैक्स बचाने के लिए। चौथी बात ये है कि जो टैक्स मिलता है राज्य सरकार को मंडियों से, एपीएमसी से, तो वो टैक्स नहीं मिलेगा जब वो बाहर से सब लोग खरीदने लगेंगे, तो वो टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये सब इश्यूज हैं जिनके पे किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी कुछ मांगे हैं। अब सरकार और किसान के बीच में वार्तालाप चल रहा है, आशा करता हूँ कुछ निर्णय निकलेगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आशा करते हैं अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।